अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव, दिस इज इंग्लिश क्लास टाइम। यू आर अटेंडिंग लेक्चर 32 एंड पेजेस आर 44 एंड 45। टुडे द टॉपिक ऑफ योर लर्निंग इज अरफा करीम एंड फोकस इज रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पार्ट टू एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग पार्ट टू। इन नवंबर 2006 Arfa was invited by Microsoft to be a part of an important session in the Tech Education Developers Conference held in Barcelona. In November 2006, yani November 2006 mein, Arfa was invited by Microsoft. Ke Microsoft ki taraf se Arfa ko daawat di gayi to be a part of an important session. Wo ek aham ijlaas ka hissa bane. Part ka matlab hota hai hissa aur session mean ijlaas. In the Tech Education Developers Conference. Ke ye technology ki taleem ko tarakki dene wali is conference mein इसका हिस्सा बनी। हेल्ड इन बार्सिलोना, जो बार्सिलोना में मुनक्कद की गई। हेल्ड मीन मुनक्कद होना, बार्सिलोना जगह का नाम है। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज गेट अहेड ऑफ द गेम। थीम होता है मकसद। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद वाज था गेट अहेड ऑफ द गेम, के इस सिलसिले में आगे तरक्की की जाए, ये टेक्नोलॉजी की तालीम में आगे तरक्की की जाए। She was only Pakistani in that conference. उस कॉन्फ्रेंस में वो वाहिद पाकिस्तानी थी जिसने शिरकत की। In 2011, at the age of 16, 2011 में 16 साल की उम्र में अरफा करीम while studying at Lahore fell ill. And अरफा करीम जब वो लाहौर में तालीम हासिल कर रही थी fell ill, बीमार हो गई। And passed away और फोर्थ हो गई on January 14, 2012 और वो 14 जनवरी 2012 में फोर्थ हो गई। Leaving strong memories behind, यानी अपने पीछे ताकतवर यादें छोड़कर। memories होती हैं यादें, और behind पीछे, अपने पीछे strong memories यादें अपनी छोड़ के, और passed away का मतलब है died, फोर्थ हुई। He had given a strong message to students of Pakistan. उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान के तलबा को एक मजबूत पैगाम दिया है that they must follow her footsteps, कि उन्हें उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। footsteps होते हैं नक्शे कदम। To achieve success, कामयाबी हासिल करने के लिए। In their lives, अपनी जिंदगियों में। Without wasting any time, कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर। Passed away mean died, फोत हो गई। Memories, यादें। Behind, पीछे। फोर्थ स्टेप, नक्शे कदम। अचीव, हासिल करना। लाइफ, जिंदगियां। विदाउट, बगैर। वेस्टिंग, ज़ाया किए बगैर। तो ये एक स्ट्रांग मैसेज अरफा करीम ने दिया था कि तलबा भी इसी तरह मेहनत करें जिस तरह उसने मेहनत की, और इतनी छोटी उम्र में इतने अवार्ड्स हासिल किए, तो टाइम वेस्ट ना करें। तो इस तरह से आपने आज लेसन कम्प्लीट कर लिया है, तो इससे आगे हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स इसके, और एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। जी, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर वन, व्हेन वाज अरफा करीम बॉर्न। अरफा करीम कब पैदा हुई। द आंसर इज शी वाज बॉर्न इन 1995, वो 1995 में पैदा हुई। अब इस क्वेश्चन में वाज हेल्पिंग वर्ब, आंसर में भी हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया। क्वेश्चन नंबर टू, विच अवार्ड डिड शी विन एट द एज ऑफ 9, के 9 साल की उम्र में उसने कौन सा इनाम जीता। अवार्ड होता है इनाम, और विन जीता। अब इस क्वेश्चन में डिड है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है विन, आंसर में डिड को हम लीव आउट कर देंगे, छोड़ देंगे, और विन की सेकंड फॉर्म वॉन बन जाएगी। शी वॉन द यंगेस्ट एमसीपी अवार्ड एट द एज ऑफ 9। अच्छा, उसने सबसे कम उम्र तरीन एमसीपी इनाम हासिल किया 9 साल की उम्र में। जी, और एमसीपी होता है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड होता है तस्दीक शुदा प्रोफेशनल, यानी पेशावर का यंगेस्ट, कम उम्र तरीन होने का अवार्ड इनाम हासिल किया। क्वेश्चन नंबर थ्री, हुई इनवाइटेड अरफा करीम टू द माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स इन अमेरिका, के अरफा करीम को माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स जो अमेरिका में है वहाँ किसने दावत दी। तो हु वाले क्वेश्चन में आप उसका नाम लिखें कि किसने इन्वाइट किया। बिल गेट्स इन्वाइटेड अरफा करीम टू द माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स इन अमेरिका, के बिल गेट्स ने अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स में उसे अरफा करीम को दावत दी। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन डिड अरफा करीम डाई। अरफा करीम कब फौत हुई। अब क्वेश्चन में डिड है और डाई फर्स्ट फॉर्म है, तो आंसर में आप डिड की छुट्टी कराएंगे और डाई की जगह डाई यूज़ करेंगे।
She died on 14th January 2012. के वो 14 जनवरी 2012 में फौत हुई. Answer में died second form used की. Question number 5. Which message has she given to students in Pakistan? के उन्होंने पाकिस्तान में तुलबा को क्या पैगाम दिया है? Has she given? क्या पैगाम दिया है? The answer is, she has given a strong message to students of Pakistan. उसने पाकिस्तान की तलबा को एक बहुत ही आला और मजबूत पैगाम दिया है. That they must follow her footsteps. कि उन्हें उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए. To achieve success. कामयाबी हासिल करने के लिए. In their lives. अपनी जिंदगियों में. Without wasting any time. कोई भी वक्त जाया किए बगैर. तो इस तरह से उन्होंने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है कि वह अपनी जिंदगियों में अपना वक्त जाया किए बगैर अपने कामयाबी हासिल करें, मेहनत करें. तो ये एक स्ट्रांग मैसेज था अरफा करीम की तरफ से. तो आपने इस अरफा करीम वाला लेसन पढ़ा है. इसमें आपके लिए बड़ी इंस्पायरेशन है कि किस तरह उसने छोटी उम्र में इतने इनामात हासिल किए, मेहनत की और वक्त ज़ाया किया बगैर जो है इतना कुछ हासिल किया. ये अलग बात है कि उसकी ज़िंदगी ने वफा ना की, जो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, वो फौत हो गई. लेकिन स्टूडेंट के लिए इसमें बड़ा पैगाम है. तो आपने क्या करना है? यू हैव टू रीड आउट, अंडरस्टैंड द लेसन, वर्ड्स मीनिंग्स एंड लर्न इट. अल्लाह हाफिज़.